हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन वेस्कुलर एंड वेस्कुलर प्लांट्स। और इसके अंदर जो है वो हम सबसे पहले नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास ब्रायोफाइट्स और उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर नंबर 8 का हमारा ये 8.2 टॉपिक है, और चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम जो है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The non-vascular plants are group of plants without specialized conducting tissues, xylem and phloem for transporting water and nutrients. A non-vascular plants उसे कहते हैं जिसके अंदर vascular tissues ना हो, मतलब जिसके अंदर vascular tissues जिससे हम transport करते हैं, transporting tissues जैसे कि plants के अंदर xylem और phloem, ये दो जो है वो vascular tissues पाए जाते हैं। ये टिश्यूज़ जो है वो जिसमें जाइलम जो है ये वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है ये न्यूट्रिएंट्स या फिर शुगर की ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। तो ये दोनों जिसके पास मौजूद होते हैं, जिस प्लांट्स के अंदर ये दोनों जाइलम और फ्लोएम मतलब ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, उन्हें हम वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। और जिस प्लांट्स के अंदर ये जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, उन्हें हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। तो आज हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को पढ़ रहे हैं जिसके अंदर कोई भी कंडक्टिंग टिश्यूज़ जाइलम और फ्लोएम ये नहीं पाए जाते। द गैमेटोफाइट इज़ डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इन दीज प्लांट्स। अब हमारे पास प्लांट्स के अंदर दो बॉडीज़ होती हैं, एक होता है गैमेटोफाइट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एक होता है गैमेटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ये प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर जो है वो दोनों आते हैं। एक बार गैमेटोफाइट होता है तो दूसरी बार जो है वो स्पोरोफाइट आता है, फिर से गैमेटोफाइट आ जाता है और फिर से जो है वो स्पोरोफाइट आता है। तो ये तो इंटरचेंज होते रहते हैं, लेकिन इनमें जो है वो ज़्यादा देर तक कौन रहता है, जो भी इनमें बॉडी ज़्यादा देर तक रहती है उसे हम बोलते हैं कि ये इसका डोमिनेंट स्टेज है इस प्लांट का। तो हर प्लांट का जो है वो डोमिनेंट स्टेज जो है वो डिफरेंट होता है। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट स्टेज है, जो ज़्यादा देर तक प्लांट्स रहते हैं या फिर जो उनमें ज़्यादा अहम जो स्टेज है लाइफ का, वो इनका गैमेटोफाइट होता है। तो ब्रायोफाइट्स या फिर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर इनका जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट स्टेज होता है, मतलब ये ज़्यादा देर तक रहता है। और स्पोरोफाइट जो होता है वो भी इस गैमेटोफाइट पर ही डिपेंड कर रहा होता है, तो इसीलिए इसे डोमिनेंट कहते हैं। दे नीड मॉइस्ट हैबिटेट टू रिप्रोड्यूस। इनको जो है वो एक तरह का मॉइस्ट मीन्स जो पानी वाला जो हैबिटेट है, पानी वाला हैबिटेट चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि इनके जो फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं, इनके जो स्पर्म्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन करते हैं, उन्हें जो वो पानी में स्विम करना होता है। पानी में जब वो स्विम करेंगे तभी जाके वो जो वो एक प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट से लेकर दूसरे प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर आकर इनकी जो है वो ये फर्टिलाइजेशन होगी और दूसरा प्लांट जो है वो बनेगा। तो इनको जो है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये मॉइस्ट हैबिटेट के अंदर रहते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लिवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट और मॉसेस, ये तीन प्लांट्स के क्लासेस हैं जो इस नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मेन ग्रुप है प्लांट्स का, जिसे ब्रायोफाइट्स कहते हैं, और ये ब्रायोफाइट्स एक तरह के नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर सिंपलेस्ट नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स ये लैंड प्लांट हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, और ये सिंपलेस्ट नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। फर्स्ट अपीयर्ड बिफोर 450 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये जो है वो 450 मिलियन साल पहले जो वो अपीयर हुए थे, पहले ये पैदा हुए थे। इन ब्रायोफाइट्स स्ट्रेंथिंग आर कंडक्टिंग टिश्यूज़ आर एब्सेंट एंड आर पर्ली डेवलप्ड। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, और इनके अंदर स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज़ जो हमारे पास जो प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, जैसे कि लिग्निन हो गया और दूसरे हमारे पास जो है वो स्पोरोपोलिनिन, ये जो है इनके पास ये वाले टिश्यूज़ इनके पास नहीं होते, या फिर इनके पास थोड़े थोड़े से डेवलप्ड होते हैं। इट इंक्लूड लिवरवॉर्ट, इनके अंदर जो है वो लिवरवॉर्ट आ जाता है, और लिवरवॉर्ट जो है वो इसकी क्लास का नाम हमारे पास लिखा हुआ है हेपाटसी। हेपाटेसी जो है वो लिवरवॉर्ट्स की क्लास है। उसके बाद जो है वो हॉर्नवॉर्ट्स आते हैं, और हॉर्नवॉर्ट्स की क्लास का नाम एंथोसीरोटी है, और हमारे पास मॉसेस है जिसकी क्लास है म्यूसी। तो ये जो है क्लासेस हैं इन प्लांट्स की, और ये जो है वो ब्रायोफाइट्स के ग्रुप्स हैं। उसके
उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स है कि ब्रायोफाइट्स आर स्मॉल फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स दैट लैक वैस्कुलर टिश्यूज। ब्रायोफाइट जो है ये छोटे फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाले और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट हैं, मतलब फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये इनका जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट होता है और इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर वाटर, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए क्योंकि ये स्पर्म्स जो होते हैं इनको स्विम करना होता है एंथ्रीडियम से लेकर आर्चिगोनियम तक। तो एक जो है ये आर्चिगोनियम के अंदर होता है और हमारे पास यहाँ पर जो स्पर्म्स हैं ये एंथ्रीडियम के अंदर होते हैं। तो ये स्पर्म्स जो है वो एंथ्रीडियम से निकल कर जो है वो एग के पास जाते हैं आर्चिगोनियम के अंदर, तो इसीलिए इनको जो है वो ट्रैवल करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। द स्पोरोफाइट ग्रो ऑन द गैमेटोफाइट एंड डिपेंडेंट फॉर इट फॉर न्यूट्रिशन। इनका जो स्पोरोफाइट है मतलब जो स्पोर्स बनाने वाला जो पार्ट है इनका, वो जो वो इतना डोमिनेंट नहीं होता, वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जो वो गैमेटोफाइट होता है और इसके ऊपर जो है वो स्पोरोफाइट बनता है और उसके अंदर से जो है वो यहाँ पर जो है वो स्पोर्स बन रहे होते हैं और ये स्पोरोफाइट जो है ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड कर रहा होता है अपनी न्यूट्रिशन के लिए। तो ये जो है डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट डिपेंडेंट नहीं होता। उसके बाद इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, इनके अंदर कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीज आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स वेयर जाइलम एंड फ्लोइम आर एब्सेंट। सबसे पहला ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके अंदर जाइलम और फ्लोइम नहीं होते। प्लांट्स शोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद डोमिनेंट गैमेटोफाइट हैविंग एम्फीबियस नेचर। तो इनके अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है जिसके अंदर जो है वो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर चेंज होते रहते हैं और इसके अंदर सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन हो रही होती है और ये अल्टरनेट होते हैं इसीलिए इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसके अंदर गैमेटोफाइट जो है ये डोमिनेंट होता है और ये जो है एम्फीबियस इनकी नेचर है, मतलब इनको ये पानी पे भी रहते हैं और ये जो है ज़मीन पर भी रहते हैं। गैमेटोफाइट आर कॉन्शिपियस, मतलब जाहिर होता है, देखने में होता है, मतलब दिखाई भी देता है गैमेटोफाइट, और ये जो है वो क्लियर होता है और क्लोरोफिलियस होता है, मतलब क्लोरोफिल मौजूद होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करता है इनका गैमेटोफाइट। ऑटोट्रॉप्स एंड हैव थैलॉइड बॉडी, ये इनकी जो बॉडी है उसको थैलॉइड कहते हैं और ये जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स मतलब जो ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना के खाते हैं। आर डिफरेंशिएटेड इन रिजॉइड्स, इनकी जो बॉडी होती है या तो वो थैलॉइड होती है या तो वो जो है वो थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होती है। एक तो ऐसे ऐसे इनकी बॉडी बनी हुई होती है तो ये जो है थैलॉइड कहलाती है, या फिर इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसे रिजॉइड्स कहते हैं। ये रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर इनके पास नीचे निकलते हैं, रूट्स नहीं होती लेकिन रूट्स की तरह के होते हैं इसीलिए इनको रिजॉइड्स कहते हैं। और इनके ऊपर से जो है वो इनके फाल्स लीव्स, मतलब फाल्स स्टीम और फाल्स लीव्स जिसे सीडो स्टीम और सीडो लीव्स कहते हैं, तो ये इनके पास होते हैं। ट्रू लीव्स नहीं होते क्योंकि ट्रू लीव्स ये इतने एडवांस प्लांट नहीं है इसीलिए इनके पास ट्रू लीव्स नहीं होते, ऐसे फाल्स लीव्स मतलब छोटे छोटे इनके पास लीव्स मौजूद होते हैं। तो इनके पास सीडो स्टीम और सीडो लीव्स और रिजॉइड्स तीन इनके पास बॉडीज, तीन इनके पास पार्ट होते हैं इनकी बॉडी के। मेल गैमेट्स एंथ्रियोजॉइड्स एंड स्पर्मेटोइड्स, ये जो है इनको इनके मेल गैमेट्स को जो है वो एंथ्रियोजॉइड्स या फिर स्पर्मेटोजॉइड्स कहते हैं। आर प्रोड्यूस्ड इन एंथीरिडियम, ये जो है एंथीरिडियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि एंथीरिडियम इनका जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके बाद फीमेल गैमेटेंजिया, मतलब गैमेट बनाने वाला जो ऑर्गन होता है फीमेल का, वो जो है वो फीमेल गैमेटेंजिया होता है। वाइल फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल एग्स सेल्स आर प्रोड्यूस इन आर्चिगोनियम, जबकि इनके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे आर्चिगोनियम कहते हैं और इसी के अंदर जो है वो एग्स प्रोड्यूस होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, यहीं पर पड़े होते हैं जब तक के जो गैमेट्स हैं, जो स्पोर्स हैं, जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ तक नहीं आ जाते। उसके बाद स्पोरोफाइट आर सेमी पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट हैविंग अ बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पोरोफाइट फ्रॉम स्पोर्स मदर सेल्स एंड कैप्सूल बाय मियोसिस। तो इनका जो स्पोरोफाइट है
ये गेमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, उससे खाना हासिल करता है और ये सेमी पैरासाइट होता है, मतलब उस पर जो है वो पैरासाइट के तौर पे गेमेटोफाइट से जो है वो अपना खाना हासिल करता है। हैविंग अ बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट की जो बॉडी होती है इस तरह की जो है वो स्पोरोफाइट होता है, इसकी जो है इस तरह की बॉडी होती है स्पोरोफाइट की, और ये जो है डिफरेंशिएटेड होती है फूड सीटा और लीव्स में, और फूड सीटा एंड कैप्सूल में। तो इसका ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसे कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पर ये जो है आपको ये एक तरह का स्ट्रक्चर है, एक तरह की रॉड की तरह का स्ट्रक्चर है, इसे जो है वो सीटा कहते हैं, और यहाँ पर जो है वो जिससे ये गेमेटोफाइट से अटैच है इसे फूड कहते हैं। तो ये फूड सीटा और ये कैप्सूल इसके तीन पार्ट्स होते हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर कैप्सूल के अंदर जो है इसके स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे गैमेट स्पोरोफाइट का। स्पोर्स आर प्रोड्यूस, यहाँ पर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। द स्पोरोफाइट फ्रॉम स्पोर मदर सेल, इसका जो है वो स्पोर मदर सेल होता है वो डिवाइड होता है मियोसिस के ज़रिए, जिससे जो है वो दूसरे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। दे लिव मैनली इन डैम्प शेडी प्लेसेस, ये जो है वो शेडी प्लेस और जो है वो यहाँ पर पानी वाले जो इलाके हैं ऐसे इलाकों में ये रहते हैं। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियस इन नेचर, ब्रायोफाइट्स जो एम्फीबियस हैं मतलब ये है कि ये पानी में और खुश्की में दोनों में रहते हैं। नीड वाटर टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि इनके इनको जो है वो पानी की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। देयर स्पर्म्स आर फ्लैजेलेटेड एंड स्विम फ्रॉम एंथीरिडियम टू आर्चिगोनियम टू फर्टिलाइज एग व्हेन आर्चिगोनियम मैच्योर एंड प्रोड्यूस मेल। तो यहाँ पर इसका जो आर्चिगोनियम है ये जब मैच्योर हो जाता है और एग प्रोड्यूस करता है, और ये मैच्योर हो जाता है तब ये एक तरह की स्मेल प्रोड्यूस करता है, जिससे जो है वो स्पर्म्स जो है वो स्वयं करके पानी से जो है वो स्वयं करके यहाँ तक आर्चिगोनियम के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। द मेल गैमिट्स मैच्योर अर्लियर देन द फीमेल, इनके जो मेल गैमिट्स हैं वो पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद इसका फीमेल जो गैमिट्स हैं वो मैच्योर होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रोटोएनरी, इनकी जो ये प्रॉपर्टी है इसे हम प्रोटोएनरी कहते हैं। ब्रायोफाइट्स लैक लिग्निन, ब्रायोफाइट्स जो है वो लिग्निन नहीं होता इनके पास। फोर्टिफाइड टिश्यूज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑल टॉल प्लांट्स, ये जो है ऐसे टिश्यूज होते हैं जो बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको जो है वो बड़ी स्ट्रेंथ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लिग्निन जो है ये ब्रायोफाइट्स के पास नहीं होता। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ मॉस का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।